नजर वालों की दुनिया में, खरीदारों की बस्ती में, अगर चे माल हो अच्छा तो कीमत अच्छी लगती है। ज्यादा बाकपन अच्छा नहीं लगता जमाने को, अगर हो अपनी हद में तो नजाकत अच्छी लगती है। तो सुनिएगा मतलब, कांच का बदन लेकर कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मुझसे मिलने की तमन्ना मेरे महबूब ना कर, मुझसे मिलने की तमन्ना मेरे महबूब ना कर, कोई इल्जाम लगा देंगे तेरे शहर के लोग, आईने की तरह नाजुक है जवानी तेरी, पत्थरों की तरह लगते हैं तेरे शहर के लोग। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, चूर चूर कर देंगे, का बदन लेकर मत चला करो घर से, का बदन लेकर मत चला करो घर से, आज का बदन लेकर मत चला करो घर से, का बदन चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे लोग इसको पत्थर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, सज के सज के संवर के यूं बेपर्दा खिड़की से ना झांका करो, सज के संवर के यूं बेपर्दा खिड़की से ना झांका करो, इश्क में पागल हुस्न के आशिक दरवाजे पर बैठे हैं, लेके तुम शीशे की जवानी घर से बाहर मत निकलो, कुछ दीवानी चौराहे पर लेकर पत्थर बैठे हैं, चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे इसको पत्थर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन होते हैं तीरों तबर खंजर से, लोग जख्मी होते हैं तीरों तबर खंजर से, मैंने जख्म खाया है, मैंने जख्म खाया है यारों अपने दिल पर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो जा।
नजर से आज का बदल लेकर सब चला करो घर से चूर चूर कर देंगे बाहर से आए जो नजर तुमको भोला भाला बाहर से ए यारो यारो किसी कातिल से कभी प्यार ना मांगो। सिर्फ दो मिसरे हैं, पकड़ना उसको। क्या था मालूम है ना कि यारो किसी कातिल से कभी प्यार ना मांगो, अपने ही गले के लिए तलवार ना मांगो। लाए जो नजर तुमको भोला भाला बाहर से आए जो नजर तुमको भोला भाला बाहर से झांक करूं से यारो झांक करूं से यारो पहले देखो अंदर से कांच का बदल लेकर मत चला करो घर कांच का बदल लेकर मत चला करो घर से चूर चूर कर देंगे चूर चूर कर देंगे जो भी सुखो पत्थर से कांच का बदल था जो एक परदेसी। और इसमें अल्फाज मेन अल्फाज क्या है? वफा की बू, वफा मोहब्बत, वफा की बू खुशबू, मोहब्बत की खुशबू। देखिएगा सुनना इसको। था जो एक परदेसी वो चला गया लेकिन था जो एक वो चला गया लेकिन था जो एक परदेसी वो चला गया लेकिन था जो एक परदेसी वो चला गया लेकिन आती है वफा की बू आती है वफा की बू अब भी उसके बिस्तर से कांच का बदल लेकर मत चला करो घर से कांच का बदल लेकर मत चला करो घर से चूर चूर कर देंगे कांच का बदल ममू डाडा और अबू डाडा साहब और आप सभी हजरात से इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा। इसे शेर को मैं ज्यादा दोहराऊंगा नहीं। देखिए आज हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल है, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, ये हमारे आपस का भेदभाव नहीं है, ये हमें लड़ाया जाता है। और सभी हजरात जानते हैं, हिंदू भी जानते हैं मुसलमान भी जानते हैं, लेकिन ये हमारे कम दमाग होने की बात है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते। खैर अब ये जो हमारे चमन के रखवाले हैं इनके लिए शेर है, जरा सुनिएगा, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। जालिमों से बदतर है ये चमन के रखवाले जालिमों से बदतर है ये चमन के रखवाले
इसी महफिल में हमारे बहुत गहरे दोस्त, हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, उस महफिल में सुनने के लिए आए हुए हैं और गरीब नवाज के मनकबत की फरमाइश बार बार कर रहे हैं। कितनी मोहब्बत है उन्हें इस्लामी मजहब से, वलियों से। इस शेर को सुनिएगा। जालिमों से बदतर हैं ये चमन के रखवाले, जालिमों से बदतर हैं ये चमन के रखवाले, बेजबान फूलों को, बेजबान फूलों को काटते हैं खंजर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे, घर से कांच का बदन लेकर मत चला करो। सोना और चांदी क्या, हीरे और मोती क्या, सोना और चांदी क्या, हीरे और मोती क्या, सोना और चांदी क्या, हीरे और मोती क्या, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। शेर सुनिएगा कि वो भी अब हमारी ही जिंदगी का दुश्मन है, वो भी अब हमारी ही जिंदगी का दुश्मन है, के गमों से हमको मोहब्बत रही खुशी की तरह, गमों से हमको मोहब्बत रही खुशी की तरह, लिया है काम अंधेरों से रोशनी की तरह, और जिन्हें बताए थे राहों के पेचो खम हमने, गुजर गए वो बराबर से अजनबी की तरह, वो भी अब हमारी जिंदगी का दुश्मन है। और करें आज वो मेरे ही दुश्मन के तरफदारों में था, कल जो मेरा हमनवा था मेरे गमखारों में था, अरे जीत ली थी जंग जब हमने तो हारे किस लिए, बा यकीन अपना ही कोई शख्स गद्दारों में था, वो भी हम हमारी जिंदगी का दुश्मन है, हम जिसे बचा लाए, हम जिसे बचा लाए दुश्मनों के खंजर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर। अब देखिएगा अपनी अपनी पसंद, इसी गजल में मेरा जो पसंदीदा शेर है वो सुना रहा हूं, सुनिएगा। ताज अर्श ताज सल्तनत लेकर क्या करूंगा मैं आखिर, ताज सल्तनत लेकर क्या करूंगा मैं आखिर, दुनिया के तख्तो ताज जमाने का मालो जर, सब कुछ निसार करता हूं ख्वाजा के नाम पर, दुनिया के तख्तो ताज जमाने का मालो जर, सब कुछ निसार करता हूं ख्वाजा के नाम पर,
ऐ दोस्तों मैं किस लिए, ऐ दोस्तों मैं किस लिए जाऊं इधर उधर, काफी है मोह चिश्ती समरिया की एक नजर। ताजो सल्तनत लेकर क्या करूंगा मैं आखिर, मिल गया मुझे सब कुछ, मिल गया मुझे सब कुछ, एक फकीर के दर से कांच का बदन। मक्ता सुनिएगा, और मक्ते में बहुत हसीन बात है, सच्चाई है, देखिएगा। और ये सिर्फ आशिकाना नहीं कह सकते, मक्ते को सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि आशिकाना इसमें रंग है, निस्बत ही रंग है इसमें। भाई जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी तरफ सोच ले इसको, ना सुनिएगा। हर किसी के हिस्से में ये खुशी नहीं होती, हर किसी के हिस्से में ये खुशी नहीं होती, हर किसी के हिस्से। देखिएगा बुल्ले शाह, शाह इनायत के मुरीद, जब बुल्ले शाह से शाह इनायत नाराज होते हैं तो बुल्ले शाह अपने पीर को मनाने के लिए क्या करते हैं, बुल्ला भुल्ला पीर वल्लों दिल विच गैरत आई, अरे केला ढंग बनावा यार दरते होवे रसाई, मेरा यार मेरा पीर मने तो मैं सदके, नहीं तो जीव जीव लोड़ ना कोई, अरे पामा लिबास फा वाला बुल्ला पैरिच झाजर पाई, शाह इनायत दरते जाके बुल्ला दीती एहो दुहाई। हर किसी के हिस्से में ये खुशी नहीं होती, ऐ नसीब मिलता है, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से।